मैंने ऑलरेडी अपने स्किन को अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज कर लिया है। प्राइमर के लिए मैं यूज़ करूँगी कलर सेंस पी मेकअप बेस, थोड़ा सा लेके अपने टी जोन पे अंडर आइज पे आई विल अप्लाई इट इवनली। फॉर फाउंडेशन आई विल यूज़ लॉरियल टू मैच फाउंडेशन एंड मेरा शेड है गोल्डन एम्बर। आप आपका कोई भी फेवरेट फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो। मैं डायरेक्टली अपने स्किन पे थोड़ा सा पम्प कर लूँगी और अपने फिंगर से ही इसको स्प्रेड कर लूँगी। फिर एक फाउंडेशन ब्रश लेके इसको अच्छे से ब्लेंड कर देना है। फिंगर्स से मैंने नोटिस किया है फाउंडेशन बहुत अच्छे से स्किन पे ब्लेंड हो जाता है क्योंकि आपका बॉडी हीट होता है फिंगर्स पे। देखा, बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगा फाउंडेशन ब्लेंड करने के लिए। थोड़ा सा और जहाँ पे मुझे लगता है ज़रूरत है। ये फाउंडेशन बहुत ही बिल्डेबल है बट मैं इसको बहुत ही मीडियम कवरेज रख रही हूँ बिकॉज दिस लुक इज़ वेरी सिंपल। कंसीलर के लिए आई विल यूज़ मेबलिन फिट मी कंसीलर इन द शेड 30 हनी, जो कि मेरा फेवरेट है एंड इज़ वेरी ईजी टू यूज़। सो इसको मैं यूज़ करूँगी अंडर आइज़ पे डार्कनेस कवर करने के लिए एंड थोड़ा सा लिड पे ताकि हमारा आई शेडो अच्छी तरीके से लगे। थोड़े लिप्स के कॉर्नर पे ब्लेंड करने के लिए आई विल यूज़ दिस कंसीलर बफिंग ब्रश। यू कैन ऑल्सो यूज़ योर ब्यूटी स्पंजेस कंसीलर और फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए। टू सेट माई होल फेस एंड द अंडर आइज आई विल यूज़ मेबलिन फिट मी पाउडर इन द शेड 310। इसको बस थोड़ा सा लेके आई विल सेट द अंडर आइज। मैं यूजुअली एक लूज़ पाउडर यूज़ करती हूँ अंडर आइज़ के लिए बट क्योंकि ये ट्यूटोरियल बहुत ही सिंपल रखा है मैंने और बहुत ही कम चीज़ों को यूज़ किया है, सो आई विल यूज़ द सेम पाउडर फॉर माय होल फेस। ब्रॉन्जर के लिए आई विल यूज़ माई फेवरेट एले गर्ल प्रेस्ड पाउडर इन द शेड चेस्टनट। ब्लश के लिए आई विल यूज अ म्यूटेड पिंक ब्लश एंड थोड़ा सा नोज के ऊपर सो फ्लश्ड लुक आएगा। हाइलाइटर के लिए आई विल यूज़ माई फेवरेट मेबलिन मास्टर क्रोम इन मोल्टन गोल्ड। उसको आई विल यूज़ ऑन द हाइएस्ट पॉइंट्स ऑफ माई चीक बोन्स, थोड़ा सा यहाँ सेंटर पे नोज के ब्रिज में, ब्राउ बोन, एंड मेक श्योर आप ब्राउ बोन और चीक हाईलाइट को कनेक्ट करें एंड थोड़ा सा चिन पे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द आईज। आईज के ट्रांजिशन के लिए मैं वो सेम ब्रॉन्जर यूज़ करूँगी और लेट्स पुट इट इन द क्रीज एंड ब्लेंड इट आउट। फॉर आई शेडो आई विल यूज़ दी ब्यूटी ग्लेस्ड कलर स्टूडियो पैलेट और ये है सारे कलर्स। सो लिड के लिए मैं ये ब्रॉन्जी कलर यूज़ करूँगी जिसको सिर्फ फिंगर पे लेके लिड पे थोड़ा सा टैप करूँगी। ओह माय गॉड, पिगमेंटेशन, दिस कलर इज सो ब्यूटीफुल। ये आपके हर ट्रेडिशनल
इंडियन आउटफिट लुक्स के साथ ये परफेक्ट लगेगा. यू डोंट हैव टू कलर मैच इट टू एनी आउटफिट. वाव, इट इज़ सो फॉइल्ड एंड मेटालिक, इट्स ब्यूटीफुल. एंड सेम ब्रॉन्जर ब्रश को लेके आई विल ब्लेंड आउट द एजेस. This is how the eyeshadow is looking. It's so pretty. To make my eyeshadow pop more, I will use the Swiss Beauty Liquid Eyeshadow. And this is in the shade 02 Diamond Dust. I have not used this before, so let's see how it looks. Oh. Okay, this is silver in color. It's super pretty. And इसको मैं सिर्फ center of the lid पे ही रखूँगी. It's super pretty. I am loving the eyeshadows. Lower lash line के लिए I will use a green eye pencil. Green because it will match my kurta. अच्छा दिखेगा नहीं. और इसको थोड़ा सा लैश लाइन के नीचे भी लगाना है. थोड़ा मेसी हो चलेगा क्योंकि हम वही सेम आई शैडो पैलेट ये डार्क ग्रीन कलर लेंगे और इसको हम वही लो लैश लाइन पे लगा लेंगे. सो इट बेंड्स आउट विद द आई शैडो, इट बेंड्स आउट विद द आई पेंसिल आई मेंट. थोड़ा फॉल आउट है तो उसको एक छोटे से ब्रश से ऊपर की डायरेक्शन में करेंगे सो वो निकल जाएगा. नाउ यू कैन गो अहेड अप्लाई योर लिक्विड आईलाइनर. और मैं यूज़ करूँगी सेम आई शेडो पैलेट से ये ब्लैक आई शेडो और इसको मैं अपने लैश लाइन पर लगाऊँगी लाइक एन आईलाइनर बिकॉज मुझे बहुत हार्श ब्लैक लुक नहीं चाहिए. और ये लाइनर को नीचे लो लैश लाइन के डार्क ग्रीन से कनेक्ट कर देना है एंड रिपीट द सेम ऑन द अदर साइड. मैं आई शेडो यूज़ कर रही हूँ बिकॉज ये ट्यूटोरियल बहुत इजी है और लिक्विड आई लाइनर के लिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगता है. आईब्राउज के लिए आई विल यूज़ द सेम एंगुलर ब्रश, उसको बस थोड़ा सा क्लीन करके यही सेम पैलेट से ये डार्क ब्राउन शेड को आई विल यूज़ फॉर माई ब्राउज. नाउ यू कैन कर्ल योर लैशेस, पुट ऑन सम मस्कारा. And lastly for the lips, I will use Avon Ultra Color Lipstick in Hot Pink. और उसको मैं पेयर करूँगी एक पिंक लिप लाइनर के साथ. उसके पहले अगर आपने लिप बाम लगाया है तो उसको थोड़ा सा निकाल दीजिए. To make my lipstick a little matte, ये थोड़ा ज़्यादा ही shiny है, मैं बस compact powder को लूँगी और अपने lips पे थोड़ा सा pat कर देना है. Inner corners के लिए I will use the Maybelline Master Chrome Highlighter और बस हल्का सा I will put it in the inner corners और थोड़ा nose के bridge पे भी. This just the final touches and let's complete the look with some bindi and earrings. Hope you guys found this look easy and simple to recreate and I will see you guys again in the next video. Bye bye.